दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसका आधा हिस्सा गुजरात के अंडर आता है और दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र में है। आपने अक्सर दो पुलिस थाने की सीमा को लेकर होने वाले विवाद के बारे में सुना होगा या इंटरनेट पर दो देश के बॉर्डर आपस में जुड़े होने की तस्वीर देखी होगी। ऐसा ही कुछ भारत के एक रेलवे स्टेशन के साथ भी है। दरअसल एक रेलवे स्टेशन है और इसमें खास बात यह है कि यह स्टेशन आधा गुजरात के अंदर आता है और इसका दूसरा हिस्सा महाराष्ट्र में है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन यह बात सच है। इतना ही नहीं, इस रेलवे स्टेशन पर एक कुर्सी भी रखी है जिसका आधा हिस्सा गुजरात में है और दूसरा महाराष्ट्र में। यह सुनने में बेहद अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बात सच है। आप स्क्रीन पर लगे फोटो से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का नजारा कैसा होगा। साथ ही आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ काम कैसे होता है और नियम किस राज्य के फॉलो होते हैं। तो आइए जानते हैं ये रेलवे स्टेशन कहाँ है और यहाँ काम कैसे होता है और यह किस तरह से बटा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है नवापुर रेलवे स्टेशन। वैसे तो यह रेलवे स्टेशन गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, इस वजह से इसका एक हिस्सा नवापुर में है और एक हिस्सा महाराष्ट्र में है। यह सूरत भुजवाल लाइन पर है, जो देश का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो राज्यों में बटा हुआ है। आधा स्टेशन महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में आता है और आधा गुजरात के तापी जिले में पड़ता है। गुजरात और महाराष्ट्र के बंटवारे से पहले यह स्टेशन बन चुका था और बंटवारे के बाद भी इस स्टेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ और नतीजा ये हुआ कि अब ये दोनों राज्यों में आता है। यह रेलवे स्टेशन खास तरीके से बटा हुआ है। इसमें जहाँ ट्रेन खड़ी होती है या आती है वो गुजरात के क्षेत्र में है, वहीं यहाँ का क्लरिकल काम महाराष्ट्र के क्षेत्र में होता है। सीधे शब्दों में कहे तो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म वाला हिस्सा गुजरात में है और जहाँ रेलवे के ऑफिस होते हैं वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। वैसे नवापुर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र के हिस्से में आता है। नवापुर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का एक तालुका है। रिपोर्ट्स के अनुसार दो राज्यों में बटे नवापुर रेलवे स्टेशन पर चार अलग अलग भाषाओं में यात्रियों को सूचना दी जाती है। यहाँ हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और मराठी में अनाउंसमेंट होता है। ऐसे में यह रेलवे स्टेशन बेहद खास है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस रेलवे स्टेशन में आपको महाराष्ट्र से टिकट लेनी होती है और आपको ट्रेन पकड़ने के लिए गुजरात जाना पड़ता है। तो दोस्तों, है ना कुछ रोचक बातें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।